वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खैरो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे और खैरो आफियत से। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पे दाल हमने भिगो के रखा है और कम से कम इस तरह से, और यहाँ पे टमाटर, करी पत्ता, प्याज और सूखी मिर्च, और यहाँ पे ज़ीरा है, यहाँ पे राई है, और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल हमारी गर्म हो चुकी है, और ये तेज पत्ता मैं इस पे ऐड कर दूंगी। ठीक है, क्या दाल हो चुका है, मैं इस पे टमाटर ऐड कर लूंगी फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए मैं चावल ऐड कर लेती हूँ। इसे मैं 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि मैं आधे घंटे पहले भिगो के रखी थी, इससे ज़्यादा जल्दी कुक हो जाते हैं फ्रेंड्स। रोज़ के ये काम होते हैं, तो फटाफट इसी तरह से मैं अपना काम निपटा रही हूँ, ताकि मेरा काम टाइम से पहले हो जाए। बच्चे अभी ट्यूशन चले गए हैं, वो आते होंगे। चलिए, मैं ज़्यादा मिर्ची का ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे नहीं खाएंगे और मुझे बच्चों को भी ध्यान में रख के अपना काम करना पड़ता है। और यहाँ पे सैलेड बनाने के लिए मैंने निकाल लिया है, मैं अब सैलेड बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूँगी, इससे फ्लेवर ना बहुत ही अच्छा सा आता है। तो चलिए फिर मैं इसे ऐड कर लेती हूँ। वाओ, हमारा खिचड़ा का कलर कितना ही प्यारा आ रहा है। चलो इस पर थोड़ा सा मैं गाजर ऐड करती हूँ, इससे ना बच्चे भी खाएंगे ना तो उनको सब्ज़ी भी मिल जाएगी, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं खाने मांगते, तो इस पर ही मैं ऐड कर लेती हूँ। चलिए यहाँ पे गाजर और आलू हमने कट कर लिया है, इसे मैं ऐड कर लेती हूँ अपने खिचड़ी में। तो बहुत ही मज़े की खिचड़ी बनके रेडी हो जाएगी हमारी, और बच्चों के लिए तो और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ओ, मैंने नमक नहीं डाला यार। चलो मैं नमक ऐड करती हूँ, 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, आप अपने हिसाब से देख लेना। इस पे मैं पानी ऐड कर देती हूँ, इसे मैं लगा देती हूँ, एक हाथ से नहीं हो पा रहा है, चलो मैं लगाती हूँ। जब आप कोई भी काम करो ना, तो इस तरह के ट्रे यूज़ में ले लो। ये बिल्कुल मेरे यूज़ में नहीं आते, क्योंकि ये टूट चुकी है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, जितने भी छिलके वगैरह होते हैं ना, तो मैं इस पे ही कट करके रखती हूँ सारी चीज़ें। तो मेरे लिए ये फ़ायदा होता है, क्योंकि ये वाले पोर्शन ना गंदा नहीं होता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहता है। और इसका एक और फ़ायदा है कि आपको यहाँ से उठा कर फिर इस पर डालना है, फिर डस्टबिन में डालना है। तो ऐसा करने के बजाय आप इस पर ही इकट्ठा करें और जाके डस्टबिन में डाल दें, तो इससे आपका टाइम भी बचेगा। ओके, और यहाँ पर मेरा सैलेड बनके रेडी है। बस खाने के वक्त में मैं नमक ऐड करूँगी, वरना इसमें से पानी छोड़ देगा, है ना। तो माशाल्लाह से हमारा सैलेड बनके तैयार है। चलिए अब मैं पापड़ तल लेती हूँ, और जब तक यहाँ पे एक सीटी लगेगा उसके बाद मैं बंद कर दूँगी। इसका भी काम हो चुका, मैं इस पर जगह पे रख देती हूँ। चलो तेल भी ख़त्म हो चुका है, तो जल्दी से मैं अपनी डायरी में नोट कर लूँगी, ताकि मैं भूलूँ नहीं, मुझे याद रहे। चलिए काम करते करते अपना ख्याल भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैं यहाँ पे पानी पी लेती हूँ, और यहाँ पे बच्चों के लिए ORS घोल लेती हूँ। ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। अपने बड़े बेटे के लिए भी मैंने यही यूज़ किया था, और छोटी बेटी के लिए भी यही यूज़ कर रही हूँ मैं। तो ये ख़त्म हो चुका, मैं जल्दी से अपने डायरी में नोट कर लेती हूँ, ताकि मैं भूलूँ ना। ये सारे कपड़े मैंने रात में वॉश किए थे, तो मैंने इस तरह से डाल दिए थे, सब सूख चुके हैं। चलिए मैं सब उतार लेती हूँ। चलिए ये सारे कपड़े मैंने उतार लिए, इसको मैं तह लगा लूँगी। और ये देखिए, ये सारा दिन बच्चों का यही काम होता है।
इस तरह के ढक्कन फेंका ना करें। जब आपकी कांच की बॉटल टूट जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हम उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो ये ढक्कन मैं यूज़ में ले लेती हूँ। इस तरह से गिलास हुआ या फिर बच्चों का कुछ पानी वगैरह, कुछ भी किसी भी चीज़ को ढकने में काम आ जाते हैं, इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ, है ना। बच्चे स्कूल से आते हैं और यहाँ पे मैं नहीं दिखा सकती, कुछ काम कर रही हूँ। सारे कपड़े मेरे हो चुके हैं। और इस तरह के डेली यूज़ के कपड़े अगर आप हैंग करके रख लेते हो ना, तो आपको प्रेस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी वजह कर मैं इस तरह से हैंग करके रखती हूँ। चलिए क्यों नहीं हो रहा है। ये दोपहर का वक्त हो रहा है और मैं जोहर की नमाज़ अदा कर चुकी हूँ और बच्चे ट्यूशन से आ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे सबके लिए खाना निकाल रही हूँ। और क्या ही बताएं दोस्तों, मतलब इतना ही मज़े की खाना आज बना था कि जैसे ही मैं कुकर ओपन करी हूँ ना, ढक्कन खोली हूँ, तो सबके सब मुझसे कहने लगे मम्मा आज क्या बनाए हो। तो फिर मैंने कहा कि चलो जब खाते हो फिर बताते हो। तो बच्चों को तो सब्र ही नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद फिर मैंने कहा कि दो मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पर बच्चों के लिए पापड़ फ्राई कर रही थी, क्योंकि बच्चों का ये फेवरेट होता है और खिचड़े का साथ में तो और भी ज़्यादा मज़े की होती है। तो हम यहाँ पे पापड़ तल रहे हैं और उसके बाद खाना निकालूंगी। एंड अगर आप सबको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपने किचन में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही यम्मी, क्योंकि बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद आया था, बच्चों को भी और उसके पापा को भी। तो हम सब ने मिलकर खाना खाए और बहुत ही मज़ा, बच्चों को सब्र ही नहीं हो रहा था कि मम्मी थोड़ा सा टेस्ट करा दो। तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बच्चों को टेस्ट कराया, उसके बाद फिर सब खाने के लिए चले गए। चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ आप सबके साथ। माशाल्लाह शाम के वक्त बच्चे कुरान की तिलावत कर रहे थे और यहाँ पर मैं नमाज़ अदा करके उठी थी। और उसके बाद जैशा को ऐसा होता है कि जब हम अगर नमाज़ पढ़े या कुरान पढ़े तो उसको भी पढ़ना होता है, तो वो फौरन, और ये वाली जानमाज़ उसका फेवरेट होता है, ये किसी को भी बैठने नहीं देती, वो खुद ही बिछाना चाहती है और ख़ुद ही उस पर बैठना चाहती है। अगर मैं उस पर नमाज़ पढ़ने लगूँ ना, तो मुझे इतनी मतलब परेशान करती है कि वो उसका है, ये ऐसा करती हैं। तो माशाल्लाह से घर का माहौल इतना अच्छा बन जाता है, क्योंकि बच्चे तिलावत कर रहे हैं साथ में, जब बड़े कुछ करते हैं ना तो साथ में छोटे बच्चे भी उसको देख देख के ही सब कुछ फॉलो करते हैं, तो हमारे घर का माहौल कुछ ऐसा ही हो गया था, तो अच्छा लग रहा था। तो फौरन मैंने वीडियो शूट कर लिया। बच्चों के साथ ये छोटे छोटे पल जो होते हैं ना, बहुत यादगार होते हैं, तो इसे फौरन मैंने कैप्चर कर लिया और आप सबके साथ भी शेयर किया। तो माशाल्लाह से ये हमारा आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। तो आप सब बताना आपका दिन कैसा गुजरा है। तो प्लीज़ आप सब मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। और अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कुकिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सबको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो न्यू व्यूवर्स है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। बाय बाय, अल्लाह।